हेलो बच्चों, आज की हमारी कहानी है तबला। क्या है हमारी कहानी? तबला। चलो देखते हैं इस कहानी में क्या क्या होता है। तबला, तबले इस कहानी में कौन कौन है, किरदार हैं? पापा है, बबली है और जीत है। चलो खोलो आगे। यह है जीत के पापा हैं। इनके पास क्या है बच्चों? एक तबला है। जीत के पापा बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। जीत को पापा का तबला बजाना बहुत पसंद आता है। जीत का मन भी तबला बजाने को करता है। पापा तबले को हमेशा अलमारी में बंद करके रख देते हैं। पापा कहते हैं कि वह जीत को तबला बजाना सिखाएंगे, उसके बाद जीत को तबला मिलेगा। जीत के स्कूल की छुट्टियां हो गई थीं। वह बहुत खुश था। जीत ने सोचा कि वह रोज़ सुबह देर तक सोएगा, उसे सुबह जल्दी उठकर नहाना भी नहीं पड़ेगा। अब उसकी छुट्टियां हो गई तो वह बहुत खुश हो रहा है कि उसे रोज़ जल्दी नहीं उठना पड़ेगा और नहाना भी नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों तक जीत खूब सोया। वह दिन भर खेलता रहता था और कहानियों की किताबें पढ़ता रहता था। रात को भी जल्दी सो जाता था। इन सब से जीत का मन जल्दी ही ऊब गया। अब वो क्या होने लगा? परेशान होने लगा। कुछ और चाहिए अब उसको। पापा ने देखा कि जीत ऊबा हुआ लग रहा था। पापा ने उसे अपना पुराना तबला दे दिया। जीत तबला पाकर बहुत खुश हुआ। पापा ने जीत को तबला सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने जीत को तबले की पहली ताल सिखाई। पहली ताल क्या थी? ना धिन ना ना, ना। ठीक है, चलो। फिर क्या हुआ? जीत रात को तबला अपने पास रखकर ही सोने लगा। अब वह सपने में भी पहली ताली बजाता रहता था। जीत नींद में पहली ताली बजाता रहा, ना घी घी ना, ना घी घी ना। सुबह होते ही जीत के पापा जीत के पास तबला लेकर बैठ गया। अच्छा, सुबह होते ही जीत ने क्या किया? अपने पापा के पास तबला लेकर बैठ गया और पूरे घर में तबले की ही ना घी घी ना 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 धिन धिन ना गूंजने लगी। जीत की कलाई में भी दर्द होने लगा। इसके बावजूद भी जीत क्या था? अपना तबला बजाता रहा। फिर क्या हुआ? पापा ने जीत को तबले की एक और ताल सिखा दी, धा धिन धा, धा धिन धा। जीत के तो मजे ही आ गए। वह रात तक बारी बारी से दोनों ताले बजाता रहा। सुबह होते ही जीत का मन हुआ कि तबला बजाए। उसने रात को तबला बरामदे में छोड़ा था। तबला बरामदे में नहीं था। अब जीत गाने लगा, ना घी घी ना, ना घी घी ना। फिर क्या हुआ? जीत आंगन में गया। उसे लगा कि पापा ने तबला धूप दिखाने के लिए रखा होगा। तबला आंगन में नहीं था। तभी जीत को तबला बजने की आवाज़ सुनाई दी। फिर क्या हुआ बच्चों? आवाज़ छत पर से आ रही थी। जीत छत पर गया। वहाँ मम्मी पापा और बबली बैठे हुए थे। बबली तबला बजा रही थी। उनकी जो बहन थी वो भी तबला बजा रही थी। पापा बबली को भी पहली ताल सिखा रहे थे, ना घी घी ना, ना घी घी ना। बबली ताल गा रही थी और उसे बजा रही थी। मम्मी भी बबली का तबला बजाना देख रही थी। जीत बबली से लड़ाई करने लगा। वह बोला कि तबला उसका है। जीत ने बबली से तबला छीनने की कोशिश की। बबली बोली कि तबला उसका भी है। अब दोनों कैसे कर क्या कर रहे हैं बाबू? दोनों बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। पापा ने दोनों की लड़ाई रोकी। पापा बोले कि तबला दोनों के लिए है। बबली सुबह तबला बजाना सीखेगी और जीत शाम को तबला बजाना सीखेगा। इस तरह से दोनों बच्चों का झगड़ा खत्म हो गया। ठीक है, हमारी कहानी भी खत्म हो गई।